तो बहुत हो गया। क्या हुआ मैं खुद की कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करना चाहती हूँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? फर्नीचर रेंट पब्लिसिटी इन सब के पैसे कहाँ से आएंगे गूगल प्ले स्टोर ऐसी टीचमेंट ऐप डाउनलोड करो बस सिंपलेटिक सॉल्यूशन फॉर एनेबलिंग ट्यूटर्स टू इंटर इन रियल टाइम क्विक एक्सेस टू मैनेज इन स्टूडेंट्स all your classroom tools in one place share assignments in a click india's number one teaching app teach me आत्मनिर्भर भारत का अपना ऐप आसान है Download now. भाई यूपी स्कॉलरशिप 2021 से रिलेटेड ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज़ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएफएमएस नो रिकॉर्ड फाउंड के बारे में ये प्रॉब्लम लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स को आ रही है स्टूडेंट्स ने कमेंट इस तरीके से किए कि सर हमारा डी से वेरीफाइड हो चुका है फिर भी पी पर नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है इसका सोल्यूशन क्या है ये टॉपिक आज से नहीं दस से पंद्रह दिन पहले से आ रहा है यह प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स को आ रही है तो हमने सोचा कि इस टॉपिक पर रिसर्च किया जाए फिर आपको इसका सोल्यूशन दिया जाए तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे दो काम बताने वाला हूं जो आपको जरूर करने चाहिए अगर आपका डी से वेरीफाइड है और पी पर नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं तो स्टूडेंट सबसे पहली चीज यहाँ पर देखिए अगर आपने अपना आवेदन पत्र की स्थिति चेक की होगी तो इस तरीके से दिखा रहा होगा देखिए करंट स्टेटस वेरीफाइड और रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट इस्कॉलरशिप कमेटी अगर आपका इस तरीके से दिखा रहा है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में और पी एफ एम एस पर नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है इस तरीके से देखिए इस तरीके से आपका पी एफ एम एस पर शो हो रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड तो इसका सोल्यूशन क्या है ऐसे कौन से दो काम हैं जो आपको करने चाहिए आइए बताते हैं जिसमें से सबसे पहला आपका काम है एक आधार कार्ड से लिंक सभी बैंक अकाउंट्स में बैलेंस चेक करना यह चीज़ मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ बिकॉज ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है कि उन्होंने जो स्कॉलरशिप का जो बैंक अकाउंट था वो स्कॉलरशिप में फिल किया था उसमें नहीं आ रहा है बट दूसरे अकाउंट में उनका स्कॉलरशिप क्रेडिट हो जा रहा है स्कॉलरशिप का अमाउंट क्रेडिट हो जा रहा है इस चीज़ को आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं जिससे आपको बहुत सरल तरीके से समझ में आ जाए ध्यान दीजिए सपोज कीजिए ये आपका आधार कार्ड है ये रहा आपका आधार कार्ड और आपके तीन बैंक अकाउंट हैं मान लीजिए आपका ये बी ओ यानी कि बैंक ऑफ इंडिया का है ये आपका पी का है और ये आपका इंडियन बैंक का है ठीक है ये तीनों आपके जो बैंक अकाउंट हैं ये आधार से लिंक हैं आपने क्या किया आपने बी का जो अकाउंट डिटेल था ये आपने स्कॉलरशिप के फॉर्म में फिल किया था आपने बैंक ऑफ इंडिया की जो डिटेल्स थी वो आपने स्कॉलरशिप के अप्लीकेशन फॉर्म में फिल की थी तो आपकी जो स्कॉलरशिप है इन तीनों में से किसी भी बैंक अकाउंट में आ सकती है ये जरूरी नहीं है कि आपने बी का फिल किया था उसी में आएगी इनमें से किसी भी बैंक अकाउंट में आपका अमाउंट क्रेडिट हो सकता है बिकॉज इस बार आधार बेस्ड पेमेंट हो रहा है ठीक है इसलिए आपको क्या करना है अपने आधार से लिंक जितने भी बैंक अकाउंट हैं उनमें आपको बैलेंस चेक करना है जिससे आपको पता लग जाएगा कि स्कॉलरशिप हमारी आई है या फिर नहीं आई है अगर आपको ऐसा करने पर भी सोल्यूशन नहीं मिलता यानी कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई अभी तक तो दूसरा काम क्या करना है ध्यान दीजिए दूसरा काम आपको 15 अप्रैल तक वेट करना है क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो किसी की जो स्कॉलरशिप है आज आ रही है किसी की कल आ रही है किसी दो दिन बाद आ रही है पाँच दिन बाद आ रही तो उम्मीद की जाती है कि 15 अप्रैल तक लगभग सभी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप आ जाएगी इसलिए 15 अप्रैल तक वेट कीजिए स्कॉलरशिप आएगी अगर आपका डी डब्ल्यू ओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर से वेरीफाइड है या फिर डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से वेरीफाइड है तो अगर आपका करंट स्टेटस इस तरीके से दिखा रहा है देखिए इस तरीके से तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है डेफ़िनेटली आपकी स्कॉलरशिप आएगी थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आएगी तो ये जो काम हमने आपको बताए हैं ये आपको जरूर करने हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आती है जो भी आपके लिए हेल्पफुल रहे अगर आप उससे अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे थैंक यू सो मच ध्यान रखिए स्कॉलरशिप आपकी आएगी